guys, welcome to my channel. I'm Pallavi. I hope you all are doing great. Today I'm going to share with you another inspired makeup look. So आज का look inspired है हैरी सा से, जो इसमें मर्ज़ावा 2 में रिधिमा का रोल निभा रही हैं. तो उन्होंने ये लुक उसमें कैरी किया था. सो बहुत ही प्यारा लग रहा था एंड वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी इस लुक में. वो ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारी है. उनका जो फेस है ना वो बहुत ही क्यूट है. सो बहुत क्यूट लगती हैं वो, मुझे बहुत ही फेवरेट है वो मेरी. तो मुझे ये लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इस लुक को रिक्रिएट किया जाए. सो मैंने उनसे इंस्पायर्ड होके इस लुक को रिक्रिएट किया है, उनके इस लुक को. सो मैंने कोशिश की है कि मैं उनके लुक को थोड़ा जस्टिफाई कर पाऊँ, आप लोग को पसंद आए. पर जो भी था, जितना भी था, मैंने इस लुक में यूज़ किया है एंड उनके लुक को अच्छे से रिक्रिएट करने की कोशिश की है. सो आई होप आप लोग को पसंद आएगा. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है एंड मेरी मेहनत अगर आपको दिखती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ प्राइमर से. मैंने यहाँ पे लिया है ब्लू हेवन का प्राइमर एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ही अच्छा प्राइमर है बिगनर्स के लिए. एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि आपका फेस बहुत ही मैटिफाई दिखे, अच्छे से आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाए, तो आप ले सकते हो ये प्राइमर. देन मैं मूव ऑन करूँगी फाउंडेशन पे. सो मैंने यहाँ पे लिया है मेबेलिन का सुपर स्टे फुल कवरेज फाउंडेशन एंड मेरा शेड है 220 गोल्डन बेज. सो इसे मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी डॉट डॉट करके. एंड गाइज, मैंने अपने फेस को अच्छे से प्रेप किया है, अच्छे से अपने फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र, सीरम सब कुछ अप्लाई किया है. देन मैंने प्राइमर एंड फाउंडेशन की तरफ मूव ऑन किया है. एंड आज मैंने अपने फेस को बहुत ही अच्छे से प्रेप किया है, बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़र, सीरम सब कुछ अप्लाई किया है. सो आप देखोगे वीडियो में आगे, मेरा जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोई लग रहा है, फ्लॉलेस लग रहा है. सो या मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पे लिया है 20 समथिंग का ये ब्यूटी ब्लेंडर एंड मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है. देन मैंने सेम फाउंडेशन को एज अ कंसीलर भी अप्लाई किया है. एक्चुअली ज़्यादा निकल गया था तो मैंने सोचा वेस्ट क्या करना, सो मैंने इसे ही एज अ कंसीलर अप्लाई कर लिया है. एंड अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपने फाउंडेशन को थोड़ा देर अपने हैंड पे छोड़कर वो थोड़ा थिक हो जाए, उसके बाद उसे एज अ कंसीलर अप्लाई कर लें. सो मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया. एंड ये बहुत ही प्यारा ब्यूटी ब्लेंडर है, बहुत अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग होती है एंड इसकी फिनिशिंग भी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है. एंड पता नहीं आज मेरे मुंह से इतना प्यारा प्यारा क्यों निकल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, हर चीज़ में प्यारी प्यारा यही निकल रहा है. एंड आपको थोड़ी मेरी आवाज़ ख़राब लगेगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरे को कोल्ड हो रखा है. तो अपने बेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेबेलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट. सो इसे मैं अच्छे से अपने अंडर ऑफ द आईज एंड जो भी एरियाज़ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है उस एरियाज़ को सेट कर लूँगी. मैं पूरे फेस को सेट नहीं कर रही हूँ, नहीं तो मेरा ड्यूनेस जो है वो चला जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती. सो दैट्स वाई आप देख सकते हो ग्लो. देन मैं यहाँ पे सिस ब्यूटी का कंसीलर लूँगी एंड उसे मैं अपने आईलेट पे अप्लाई कर रही हूँ फॉर माय आई शेडो बेस. इसे भी मैं सेट कर लूँगी. देन मैंने यहाँ पे लिया एसिस ब्यूटी अल्टीमेट आई शेडो पैलेट एंड उसमें से मैं ये पिंकी शेड लूँगी एंड मैंने बहुत ही लाइट हैंड से कलर को पिक किया है, क्योंकि अगर आप हेली के आईज़ पे देखेंगे तो उनके क्रीज पे बहुत ही लाइट सा कलर है, बहुत ही लाइट ट्रांजिशन शेड है. सो मैंने भी बहुत ही लाइट हैंड से लिया है एंड मैं इसे और अच्छे से ब्लेंड करके लाइट करूँगी. मैं यहाँ पे पिक लगा दूँगी उनके आई का, सो आप देख सकते हो.
देन मैं 20 समथिंग पैलेट से ये पिंक शेड लूँगी एंड इसे मैं अपने आउटर वी पे प्लेस करते हुए अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एंड जो उनका आई लुक है वो बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हो उनका आई लुक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आपको बिल्कुल भी अपने आई लुक को, आई शेडो को हार्श नहीं रखना है, अच्छे से ब्लेंड करना है, एकदम सॉफ्ट लुक देना है। तो मैं अच्छे से, आप देख सकते हो, ब्लेंड कर रही हूँ। देन मैंने यहाँ पे क्लीन ब्रश लिया है एंड मैं एजेस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। आप अभी देख सकते हो एजेस को, एंड जब मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी उसके बाद आप देखोगे बहुत ही सॉफ्ट सा लुक आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सो मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एंड आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ब्लेंडिंग के बाद। देन मैंने सेम पैलेट से ये शिमरी सा शेड लिया है, पिंकिश शिमरी, एंड उसे मैं हाफ ऑफ द आईलेट पे अप्लाई कर रही हूँ। सो या मेरी आई शेडो डन हो चुकी है। देन मैंने सेम पिंक शेड को लिया है, लोअर लैस लाइन पे अप्लाई किया है। मुझे वैसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा था उनके पिक्चर से, तो फिर भी मैंने ये पिंक शेड लेके अपने लोअर लैस लाइन पे अप्लाई किया है क्योंकि अच्छा लगेगा। सो अब हम करेंगे अपने आईब्रो को फिल। सो आईब्रो को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे ये ब्राउन शेड लिया है शुश ब्यूटी के पैलेट से। सो इसे अच्छे से मैंने फिल कर लिया है, आप देख सकते हो। तो हम अच्छे से कोम कर लेंगे ताकि सारे प्रोडक्ट इक्वली स्प्रेड हो जाए। सो अब हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर, एंड उन्होंने एक थिन विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ किया था तो हम भी कुछ ऐसा ही आईलाइनर ड्रॉ करेंगे। एज यू कैन सी, तो मैंने यहाँ पे ऑफ कैमरा फॉल्सेस अप्लाई कर ली है। अब हम अप्लाई करेंगे मस्कारा ताकि हमारे रियल लैसेस एंड फॉल्स लैसेस आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। देन मैंने यहाँ 20 समथिंग पैलेट से ये कॉन्टोर शेड लिया है एंड अच्छे से अपने फेस को कॉन्टोर करेंगे ताकि हमारे फेस का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से उभर के दिखे। सो अगर आपकी भी फोरहेड बड़ी है तो आप अपने फोरहेड को भी कॉन्टोर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने ब्रश को पिंच करके अपने नोज़ को कॉन्टोर किया है। ब्लश के लिए मैंने SFR पैलेट से ये ब्लश शेड लिया है एंड एक्सेस को मैंने अपने हैंड पे निकाल दिया है। देन मैंने इसे अप्लाई किया है अपने चिक्स पे। ये बहुत ही प्यारा शेड है, बहुत ही प्यारा कलर देता है आपके चिक्स पे। सो देन मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। हाइलाइटर के लिए मैंने SFR पैलेट से ये हाइलाइटर शेड लिया है एंड देन इसे मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट पे अप्लाई कर लूँगी। ये बहुत ही प्यारा हाइलाइटर है, बहुत ही अच्छा लुक देता है आपको, बिल्कुल चंकी नहीं लगता है। मैंने यहाँ पे लिटिल बिट अपने इनर कॉर्नर को एंड ब्राउन को भी हाईलाइट किया है। लिपस्टिक में मैंने यहाँ पे पिंकिश न्यूड लिपस्टिक ली है क्योंकि उनकी भी मुझे कुछ ऐसी ही लग रही थी शेड, सो मैंने इसलिए पिंकिश न्यूड शेड लिया है। तो या गाइस, मेरा मेकअप डन है, अब मैं पहन लूँगी ज्वेलरी। सो मैंने यहाँ पे मांग टीका पहन रही हूँ एंड मांग टीका थोड़ा सा डिफरेंट है, मेरा गोल्डन में है एंड उनका सिल्वर में था।
एंड ये जो नेक पीस है ये मेरी शादी की नेक पीस है, तो इसे ही मैंने वेयर किया हुआ है। सो या गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक। एंड चूड़ी भी मुझे कलर का नहीं मिल पाया, जो उन्होंने पिंक एंड ग्रीन जो पहना था मुझे नहीं मिला, तो मेरे पास जो था मैंने वही वेयर कर लिया। बट आई होप आप लोग को ये लुक पसंद आया होगा, आप लोगों को मेरा एफर्ट पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।